गई है इस हफ्ते की टीआरपी, यानी कि पिछले हफ्ते की टीआरपी, जहां पर जो है सलमान खान ने रुबीना को बैश किया था। तो यहाँ पर किस तरह की टीआरपी रही है मैं आपको बता देती हूँ, चलिए आ जाइए इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। पिछले हफ्ते यानी कि इससे पिछले हफ्ते जो टीआरपी थी, या पिछली टीआरपी कह ले, तो वो बेहतरीन आई थी। बिग बॉस सीजन 14 के इतिहास की सबसे ज्यादा टीआरपी थी, जहां पर वीकेंड पर मिल रखे थे 2.2 टीआरपी पॉइंट्स, वहीं वीकडेज पर मिले थे 1.8 पॉइंट्स। अब अगर इस हफ्ते की टीआरपी की बात करें, यानी कि इस बार की टीआरपी की बात करें, तो 1.6 टीआरपी है फॉर द वीकडेज, जो रोज देखते हैं हम लोग, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की टीआरपी रही है 1.6। वहीं जो वीकेंड की टीआरपी रही है वो रही है 2.0 पॉइंट्स। अब ऐसे में बात करें, टीआरपी गिरावट तो देखी है टीआरपी ने, लेकिन इसको फिर भी हम लोग सुपरहिट टीआरपी बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली द ओवरऑल टीआरपी बिकम्स 1.8, विच इज नॉट बैड, विच इज गुड, लेकिन पिछले हफ्ते से कम हुई है, तो दैट इज अ सेटबैक। कि पिछले हफ्ते क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी, तो शायद इसलिए जो थी टीआरपी में उछाल देखने को मिला था, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड हो गया था। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि मेकर्स ऐसा क्या करते हैं कि फिर से टीआरपी में देखने को मिले उछाल। आपको क्या लगता है, आज ये कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब सीजन है अपने खात्मे की तरफ, यानी कि सीजन खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे बिग बॉस वाले टीआरपी, क्या लगता है आपको, बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। लगातार हमारे साथ जुड़े भी रहिए, और भी कई सारी खबरें हैं भाई जो हमें आप तक पहुंचानी है।